हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको हम MPC कहते हैं, इसके बारे में देखने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल बैंकिंग एग्जामिनेशन। और अगर हम RBI की बात करें तो ये ESI में भी आ सकता है, FM में भी आ सकता है, एंड इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका जो NABARD का एग्ज़ाम है 7 सितंबर को, उसके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो सिलेबस है ESI, इट इज़ सेम, 80-90% सेम है RBI जैसा। तो मैं आपको दोनों का सिलेबस यहाँ पे दिखा दूंगा। और ये जो मेरा आज का क्लास है, उसका जो PPT है, आपको PDF फॉर्म में डाउनलोड करने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाए हैं इस PPT में। तो आप अगर ये PPTs देख लेंगे तो मुझे लगता है MPC के लिए आपको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो MPC जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके ऊपर मुझे याद है 2016 या 17 में एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया था। उस टाइम 5 मार्क के क्वेश्चन भी आते थे, और वो कहाँ से आते थे मैं आपको दिखा दूंगा। और GA जो है RBI का, जो 80 मार्क्स के लिए, उसमें डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसके थेरी पे या करंट डेवलपमेंट क्या चल रहा है, MPC के मेंबर्स कौन है, अभी रेट्स क्या है, इसके बारे में है। और MPC अभी ये जो है, ये अभी हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बन गई है, यानी कि स्टैट्यूट जो है, यानी कि लॉ, उसके MPC के लिए उसमें एक स्पेसिफिक प्रोविजन से, वो क्या क्या प्रोविजन से, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। चलिए अभी मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ। ये RBI ग्रेड बी का सिलेबस है, RBI ग्रेड बी का, ये ESI का सिलेबस है, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो MPC आपको यहाँ पे काम में आएगा, ये है ये मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी रिफॉर्म्स, उसके बाद इंडियन मनी मार्केट में है, उसके बाद लिंकेजेस विद इकोनॉमी, क्या क्या यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे इसका आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली मतलब सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद अगर आप ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे यूनियन बजट है, इसमें भी MPC के बारे में होता है, देन इन्फ्लेशन है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि जो मनी सप्लाई है उसको हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। तो फाइनेंस में ये डायरेक्टली टॉपिक है, ठीक है, पूरा कंप्लीटली यहाँ पर टॉपिक उन्होंने दिया है। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी आप मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे ना, मतलब आप ESI एंड फाइनेंस का जब पढ़ाई करेंगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो ओवरलैप दिखेंगी। मतलब यहाँ भी देखो, मॉनेटरी पॉलिसी दो तीन जगह पे मेंशन किया है, इसके बाद ये देखो, ये मनी मार्केट है, यहाँ पे भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगा, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, वो भी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट ही है। और आप ESI में देखेंगे तो वहाँ पे भी है। तो ये टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो काफ़ी सारा एरिया आपका ये सिलेबस में है, ESI और FM में। और प्रीलिम्स के लिए तो कोई सिलेबस होता नहीं है, उसमें भी ये टॉपिक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी NABARD का जो फेज 1 फेज 2 एग्जाम होगा, ये NABARD का सिलेबस है। अगर आप देखेंगे तो 80-90% सेम सिलेबस है RBI ग्रेड बी की ESI जैसा। यहाँ पे भी इन्फ्लेशन है, ट्रेंड इन इन्फ्लेशन, देयर इम्पैक्ट ऑन दी नेशनल इकोनॉमी, इंडिविजुअल इनकम। और जब हम क्रेडिट की बात करते हैं, क्योंकि MPC से क्या होता है, हम मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स है, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, उससे ये क्रेडिट पे भी फर्क आता है। तो ये टॉपिक आपको स्टडी करने के लिए MPC का नॉलेज होना ज़रूरी है। चलो अभी देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का अगर आपको पढ़ाई करना है तो कहाँ से करना है, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी जो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है उसके लिए जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ऑथेंटिक रिसोर्सेज जो है, यानी कि वेबसाइट्स ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे RBI है, NABARD है, SEBI है, SIDBI है, SBI है, तो आप यहीं से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप कोई रेडीमेड नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपाइलेशन होता है और वो बहुत स्कैटर्ड होता है, तो आपको लिंकेजेस समझ में नहीं आएगा। तो ये है RBI का वेबसाइट। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे RBI का वेबसाइट, तो राइट साइड में आपको ये दिखेगा टेबल, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले फंक्शन वाइज साइट से RBI की, तो अगर आपको कोई पूछता है RBI के फंक्शंस क्या है, तो इतने सारे RBI के फंक्शंस है। इसमें सबसे ऊपर है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस जो है वो सबसे हाईएस्ट इंपॉर्टेंस है मॉनेटरी पॉलिसी का। आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउन एरो को, तो ये ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी, फिर ओवरव्यू है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसके बारे में नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज, स्पीचेस। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट है उसका काम क्या है, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको रट लेनी है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। यानी कि सबसे मेन फोकस है प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो प्राइजेस है, यानी कि इनडायरेक्टली हम इन्फ्लेशन की बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन यानी कि इंक्रीज इन द जनरल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है जो प्राइजेस है वो स्टेबल रहनी चाहिए। स्टेबल यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक ये साल में 100 रुपीज़ थी तो अगले साल 105 हो गई, 110 हो गई, तो ये इसको हम एक तरीके से स्टेबल कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभी 100 है फिर 150 होगी फिर 50 होगी, तो इतना फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी है। लेकिन जब हम प्राइस स्टेबल करेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ग्रोथ पे नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर हम एक ही गोल पे अटके बैठेंगे कि नहीं प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, प्राइस नहीं बढ़नी चाहिए, और ग्रोथ हैम्पर होगी तो वो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर मान लीजिए कि 20% ग्रोथ हो रहा है, एंड इन दैट केस इफ इन्फ्लेशन इज 10%, देन देर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पता है कि इस केस में रियल जो GDP ग्रोथ होगा या आपका जो ग्रोथ होगा वो 10% होगा। तो इसलिए ऐसा, फिर अगर आपका ग्रोथ रेट 5% है एंड इन्फ्लेशन 10% है तो वो एक्चुअली नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गया। तो यानी कि ग्रोथ के साथ साथ इन्फ्लेशन होता ही है, ठीक है, जब इन्फ्लेशन होगा तो ग्रोथ होगा, लेकिन इसमें जो बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया, देखो अंडर दी RBI एक्ट 1934, RBI इज, देखो ये 2016 में इंक्लूड किया गया है MPC, उसके पहले MPC नहीं था। RBI इज इंटरेस्टेड विथ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया विथ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड दी ग्रोथ। ये है, तो ये आपको ग्रोथ के बारे में याद रखना है। और अभी एक एक यहाँ पर हम चीज़ें देख लेंगे। तो अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, जैसे आपको कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट देखना है तो इकोनॉमिक सर्वे देखिए, उसके बाद बजट देखिए, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज स्कैटर्ड नोट से लोगों को मेन प्रॉब्लम आज के डेट में यही है कि उनको लिंकेजेस समझ में नहीं आता, वो बहुत ही स्कैटर्ड वे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है। इसके ऊपर डायरेक्टली RBI के एग्जाम में या NABARD के एग्जाम में शॉर्ट नोट आ सकता है, तो ये रेडीमेड आपका यहाँ पर नोट्स दिया है, यहीं से आपको आंसर लिखना है। इन मे 2016 RBI एक्ट वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड स्टैट्यूटरी बेसिस, यानी कि लीगल बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, 4% प्लस और माइनस 2%, यानी कि 2% से लेके 6% के बीच में आपका इन्फ्लेशन रहना चाहिए, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट अंडर द सेक्शन 45ZA। सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद RBI डिटरमाइंस द इन्फ्लेशन टारगेट इन टर्म्स ऑफ द CPI। ये भी आपको याद रखना है कि, और इसके बारे में मतलब CPI WPI के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, क्योंकि ये बहुत डीप में है, ऊपर इसका पढ़ाई नहीं करना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको ये CPI क्या है, WPI क्या है, इसमें क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज है, ये आपको सारा पता चल जाएगा। वंस इन 5 ईयर्स एंड नोटिफाइज इन द ऑफिशियल गैजेट में ये पब्लिश होता है। अकॉर्डिंगली August 5, 2016 द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट 4% CPI इन्फ्लेशन एज द टारगेट फॉर द पीरियड फ्रॉम August 5, 2016 टू March 31, 2021। यानी कि इसी के बाद दूसरी MPC आ गई है विथ द अपर टॉलरेंस ऑफ 6% एंड लोअर टॉलरेंस 10%। इसका मतलब ये है, ऑन March 31, 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द इन्फ्लेशन टारगेट एंड द टॉलरेंस बैंड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर फ्रॉम 1 April से 31 March 2026। ये पूरा टाइम पीरियड है, अगर पेपर डीप में आता है तो इस टाइप का आपको इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा और पूछा गया भी है, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस लेवल तक वो जाके क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ RBI ग्रेड बी, लास्ट टाइम SBI आई थिंक IBPS POB भी एक सेक्शन पूछा गया था,
ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेक्शन पूछा गया था। सेक्शन 45ZB ऑफ द RBI एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, यानी कि MPC का जो फॉर्मेशन है वो इस एक्ट के थ्रू हुआ है, टू डिटरमाइन द पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। फेलियर टू मेंटेन द इन्फ्लेशन टारगेट, ये क्या है? मतलब अगर फेल हो गए, यानी कि अभी तो फेल हो रहा है, अभी 6% से ज्यादा है, इस केस में क्या होगा? इसके ऊपर RBI में 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, अभी 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पहले आता था, अभी 1 मार्क का या 2 मार्क का आता है, ठीक है, और आगे जाके कभी भी पैटर्न बदल सकता है, तो हमें रेडी रहना चाहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द फॉलोइंग एज द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फेल्यूर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 consecutive quarters। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, ठीक है, यानी कि Q1, Q2, Q3, 3 महीने, 3 महीने, 3 महीने, यानी कि कंटिन्यूस 9 months तक अगर ये ब्रीच होता है तो ही एक्शन है। तो मुझे नहीं लगता अभी 2-3 महीने हो चुके हैं, अभी 9 months तक रहेगा ऐसा मुझे नहीं लगता होगा, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगा। और द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 consecutive quarters, यानी कि सेम है, एग्जाम में दोनों आ सकता है, यानी कि 6% से ऊपर भी कंसिक्यूटिव 3 quarters के लिए नहीं रहना चाहिए और 2% से नीचे भी कंसिक्यूटिव 3 quarters के लिए नहीं रहना चाहिए। वेयर द बैंक, यहाँ पे बैंक मतलब RBI है, ठीक है, ये जो ऑफिशियल अभी बहुत कम लोगों को पता होगा, जब इंटरनल कोई भी RBI में डिस्कस करता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखते हैं, वो सिर्फ बैंक लिखते हैं, वो बी कैपिटल, इसका मतलब है रिजर्व बैंक। वेयर द बैंक फेल्स टू मीट द इन्फ्लेशन टारगेट इट शैल सेट आउट इन अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखना है द रीजंस फॉर द फेल्यूर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, किस वजह से ये हम फेल हो गए। रेमिडियल एक्शन प्रपोज टू बी टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैपिटल बी। An estimate of the time period within which the inflation target shall be achieved pursuant to timely implementation of proposed remedial action, यानी कि कितने time में ये control में आ जाएगा, ये 3 चीज़ें बतानी है, exam में definitely आ सकता है ये। The operating framework for monetary policy aims at aligning the operating target, the weighted average call rate, ठीक है, WACR, with the policy repo rate through proactive liquidity management to facilitate transmission of repo rate changes through the entire financial system। Transmission का मतलब क्या होता है? अगर RBI ने repo rate change किया तो वहाँ पर bank का FD का rate change होना चाहिए, bank का lending का rate change होना चाहिए, market में जितने सारे rates है वो उसको link होने चाहिए, उसका मतलब होता है transmission of monetary policy। अदरवाइज RBI रेट बढ़ाएगा और रेट कम करेगा और बैंक कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसे मॉनेटरी पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है, तो ट्रांसमिशन होना चाहिए। विच इन टर्न इन्फ्लुएंसेस एग्रीगेट डिमांड, अ की डिटरमिनेंट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, जो मैंने आपको बताया ना, क्रेडिट यानी कि आपका लोन, मतलब इससे क्या है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है उस पर फर्क होना चाहिए तो ही फायदा होगा, अदरवाइज ये MPC में चेंज करने का कोई फायदा नहीं है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होना चाहिए, इसीलिए मैं आपको ये एक्चुअल डॉक्यूमेंट है वर्ड बाय वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक समझे, अदरवाइज आप किसी रेडीमेड नोट्स में 2-3 लाइन पढ़ लेंगे तो वो क्लिक नहीं होगा कि आपको ये क्या है। जो स्टूडेंट ऐसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इस तरीके से पढ़ता है उसी को फिर आगे जाके सक्सेस मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट दिए हैं, तो आपको वो पढ़ लेना है, बहुत इजी, इतना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। देखो धीरे धीरे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। आप लोग कहते हैं सर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, किसी को भी कुछ समझ नहीं आता फर्स्ट टाइम जो पढ़ता है। अगर अभी देखो आज के डेट में भी मैं 15 साल से ही पढ़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि आज मेरा भी अंडरस्टैंडिंग 90% से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, कभी कभी हम चीज़ें भूल जाते हैं, तो रेगुलरली टच में रहेंगे तो इनिशियली मुझे बस 10% समझेगा, फिर 20, फिर 30, फिर 40, और ऐसा कोई नहीं है जिसको 100% समझ में आएगा, क्योंकि इतनी सारी डेवलपमेंट होती रहती है, कोई इसको ट्रैक नहीं रह सकता है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक बार ऐसे हुआ था कि रघुराम राजन जी को क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो रघुराम राजन ने कहा कि मैं इस डिपार्टमेंट को अभी इतना अपडेटेड नहीं हूँ, तो मेरे जो ED है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मुझे याद है उस टाइम पे करुप्पा स्वामी अर्बन कॉपरेटिव बैंक्स के ED थे,
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो उन्होंने आंसर दिया, क्योंकि रघुराम राजन जी को कोऑपरेटिव बैंकिंग के बारे में इतना डीप नहीं पता है। तो इसका मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसका टेंशन मत लीजिए। लोग कहते हैं कि मुझे कुछ भी समझ, तब मैं बात करूंगा, ऐसा सिचुएशन कभी नहीं आएगी। किसी को भी कोई चीज़ 100% समझ में नहीं आती है, वो आपका जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो धीरे 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 बढ़ते रहता है, ठीक है। मैं आज के डेट में भी कह सकता हूँ कि मेरा अंडरस्टैंडिंग 80-85% रहेगा इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स का, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ आते रहता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, उसके बारे में पूरा बताया, कौन कौन रहेगा, 6 मेंबर रहते हैं, ठीक है। अभी ये जो है लेटेस्ट है RBI के वेबसाइट से मैंने लिया है, मुझे लगता है इसमें से कोई लोग चेंज हो गए होंगे। यस, यहाँ पे एक्चुअल नाम नहीं दिया है, पहले यहाँ पे मृदुल सग्गर हुआ करते थे, अभी राजीव रंजन, और बाकी सारे ये मेंबर करेक्ट है। अशीमा गोयल है, जयंत वर्मा है, शशांक भिड़े है, यहाँ पर शक्तिकांत दास है, और यहाँ पर माइकल पात्रा है। और ये एक्स ऑफिसियो का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो लोग आएंगे वो ऑटोमेटिकली MPC के मेंबर बनेंगे, यानी कि कल अगर गवर्नर चेंज होते हैं, डिप्टी गवर्नर चेंज होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो, ठीक है। बाकी ये सारे आप यहाँ पे डिटेल देख लीजिए। अभी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे डेफिनेशन दी है, ये आपको गो थ्रू करनी है, बहुत सिंपल है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक रेपो रेट क्या होता है, SDF अभी नया इंक्लूड किया गया है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है, LF कॉरिडोर किसको कहते हैं, मेन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स क्या क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आप देखेंगे ना, मैं MPC अगर पढ़ाने जाऊँ सपोज डिटेल में, तो 5 दिन भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें। अभी देखो रेपो रेट है, इसके लिए आधा घंटा लगेगा, ये क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसके लिए आधा घंटा लगेगा, ये क्या है, इसके रेपो रेट में क्या फ़र्क है, ये आधा घंटा लगेगा। तो अभी हमारा आज मेन जो टॉपिक है वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अदरवाइज ये इतनी सारी लिंकेजेस है, फिर बाद में बैंक क्या है, बैंक के ऊपर मैं 1 घंटे बात कर सकता हूँ, उसके बाद क्रेडिट क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन पे 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। तो इस तरीके से ये बहुत डीप है, लेकिन हम इसको लिमिटेड रखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। उसके बाद फाइन ट्यूरिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अभी मैंने पिछला एक लेक्चर बनाया था कुछ दिन पहले, उसमें मैंने रेपो रेट एंड SLR के बीच में रिलेशन बताया, वो भी लेक्चर में 1-2 घंटे का हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सारे चीज़ें ना इंटर रिलेटेड है। तो आप जैसे धीरे धीरे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस कैसी है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर मीटिंग शेड्यूल क्या है, पहले मीटिंग का नोटिस होता है, देन मीटिंग का ड्यूरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, देन आप रिजोल्यूशन है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है, एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ठीक है। अभी इसका एक वंस इन एवरी 6 मंथ मैं आपको इसका सेक्शन बता दूंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिशेस मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट कंटेनिंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जैसे ए चीज है, बी है, CDE, तो इसमें क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इन्फ्लेशन डायनामिक्स इन द लास्ट 6 मंथ्स एंड द नियर टर्म इन्फ्लेशन आउटलुक, यानी कि क्या क्या होने वाला है आगे, प्रोजेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ एंड द बैलेंस ऑफ रिस्क, असेसमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कवरिंग द रियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी, फिजिकल सिचुएशन, एक्सटर्नल सेक्टर विच मे एंटेल अ बेरिंग ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन। तो आपको एग्जाम में आ सकता है या इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट में क्या होता है, तो उसका आंसर ये होना चाहिए। अपडेटेड रिव्यू ऑफ द ऑपरेटिंग प्रोसीजर मॉनेटरी पॉलिसी एंड असेसमेंट प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस। तो अभी इसको याद रखना, आपको पता है MPC रिलेटेड जो भी एक्ट है वो चालू होता है 45Z, इतना तो याद है, और मॉनेटरी पॉलिसी का M, यानी कि यहाँ पे M डाल देंगे, तो ये सेक्शन है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का। इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ लिंकेजेस बना के ये सारी चीज़ें याद रखनी। पब्लिकेशन जो मैंने अभी दिखाया वो हाफ ईयरली पब्लिकेशन है, एग्जाम में आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाफ ईयरली रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड रिपोर्ट ऑन दी फॉरेन एक्सचेंज, तो ये 3 आपको याद रखना है, और इसका रिपोर्ट है 45ZM, अभी मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में क्या क्या हुआ है, रिसेंटली कितनी मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट हुई है, कब हुई, बायएनुअल होती है ये, 2 महीने में एक बार, और कभी कभी अगर ज़रूरत पड़े तो एडहॉक भी किया जाए, एडहॉक मतलब अभी ज़रूरत, जैसे मई में हुई थी, अचानक से हुई थी वो, यहाँ पे आई थिंक ये वाली जो थी अचानक से हुई थी, तो ऐसा कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप में से बहुत लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने का।
अदरवाइज सिर्फ हम एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। देखो मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था आरबीआई का, मतलब स्पेसिफिकली आरबीआई का प्रिपरेशन नहीं किया मैंने, मैं एमबीए में जब था तो हमें इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट था एमबीए में, तो उसमें हम पढ़ते थे, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। और मैं जब इंजीनियरिंग में था तब भी मैं बजट है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे है, उस टाइम पे वाईवी रेड्डी आरबीआई के गवर्नर हुआ करते, मैं उनके स्पीचेस पढ़ता था। तो अभी देखो उस टाइम में मुझे इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी की, एंड देन फिर जब हमारे किसी ने फ्रेंड्स ने बताया कि आरबीआई का भी फॉर्म आया तो मैं भर दिया और सेलेक्ट हो। हमारे बैच में सब ऐसे ही थे कि 80 में से कम 50-60 लोग तो ऐसे थे कि जिनको आरबीआई के बारे में कुछ पता भी नहीं था, ऐसे फॉर्म भर दिया, आया एग्जाम और सिलेक्शन हो गया। उसके बाद इस टाइप का आपको लेटेस्ट पता चलेगा। और ये देखो, ये आपको मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स के लिए सेक्शन 45ZL है। यहाँ पे मेंबर्स का नाम है शशांक भिड़े, अशीमा गोयल, जयंत वर्मा, राजीव रंजन, उसके बाद माइकल पात्रा एंड शक्तिकांत दास। इस तरीके का अपडेटेड डॉक्यूमेंट आता है। और आपको अभी ये मैंने बता दिया है, जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले वाला जो लेटेस्ट आएगा वो आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पूरे साल में तो 6 होते हैं, कभी कभी 7 भी हो जाएंगे। तो हमें क्या करना, आपका एग्जाम जब है उसके पहले जो आता है वो पढ़ना है। अभी ये पढ़ के रखिए, जब गो थ्रू कीजिए, कुछ चीज़ें ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब एग्जाम आएगा उसके पहले वाला रिपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रोविजंस क्या क्या है, 45Z क्या है, इन्फ्लेशन टारगेट 45ZA में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका कैसे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कौन कौन होता है उसमें, वो 45Z में है। ZC में एलिजिबिलिटी है, उसके बाद मेंबर्स ऑफ रेफर टू इंक्लूड क्लॉजी, इसके बाद जो सिलेक्शन कमेटी होती है, सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, उसमें कौन कौन होता है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक क्वेश्चन आए नहीं, इस पे आ सकता कि चेयरपर्सन कौन है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी गवर्नर, यानी कि गवर्नर इसमें रहने चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो जो डिप्टी गवर्नर को भेजेंगे वो रहेंगे सेक्रेटरी रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एंड 3 एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स और बैंकिंग और फाइनेंस और मॉनेटरी पॉलिसी टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। व्हाइल सेलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ द मॉनेटरी कमिटी द सर्च कमिटी शैल फॉलो सच प्रोसीजर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि इस तरीके से इनका सिलेक्शन करना है। उसके बाद मीटिंग क्या है, ZI की तरफ से मीटिंग हुआ। उसके बाद ZM अभी हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, ZN है फेल्यूर, हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया क्या क्या रेमेडियल मेजर्स होंगे, ये 3 रेमेडियल मेजर्स हमने पहले देखे हैं। अभी देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द फैक्टर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट फेल्यूर शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ Part 1 ऑफ द चैप्टर 12 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। क्या क्या है ये बार बार, मतलब जैसे रिक्वायरमेंट है उस तरीके से ये चेंज हो सकता है, ठीक है। और ये शॉर्ट में सारे जो सेक्शन से उसकी समरी है, इन्फ्लेशन टारगेट कहाँ पे दिया है, ZM में क्या है, ZM में हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है, फेल्योर के बारे में क्या है, पावर टू मेक रूल्स क्या है, सेक्रेटरी टू मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है। तो ये इसमें से मुझे लगता है आपको जो लगते हैं 4 से 5 मैंने टिक मार किए हैं, 4 to 5 आप याद रखिए, सारे के सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसी तरीके से मैं सारे जो टॉपिक्स है RBI है NABARD डिटेल में पढ़ाता हूँ, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से पढ़ाता हूँ। उसके बाद हमारे रेगुलरली लाइव लेक्चर्स भी होते हैं कि जहाँ पे आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। अभी इस बार मैंने तो एक नया फीचर ऐड किया है जहाँ पर हम इकोनॉमिक ESI एंड FM रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बैंक किया है, बैंक की बैलेंस शीट, बेसिक ऑफ बैंकिंग बैलेंस शीट मैंने कम से कम 1 घंटा पढ़ाया है। अभी हम आगे के लेक्चर्स में बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे और एक्चुअल देखेंगे SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया जो मिलेगी वो, उसी से हम सारे रेशियोज देखेंगे। तो इसी तरीके से आपका जो है वो सारा डेवलपमेंट होगा अंडरस्टैंडिंग का। उसके बाद CAR क्या है, CRAR क्या है, विद एग्जाम्पल मैंने ये 1-1 घंटा पढ़ाया है। तो आपको ऊपर ऊपर लेवल की पढ़ाई करेंगे तो देखो, मतलब सिर्फ CRR क्या है, SLR क्या है, ये रेट देखने से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत बेसिक से आनी चाहिए। तो अभी 29 जुलाई को हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ये कोड यूज़ कीजिए, 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको कॉम्बो पैक चाहिए उसके लिए भी आप हमारे कॉल सेंटर पे कॉल कर सकते हैं, जिसमें आप SEBI की तैयारी, NABARD की तैयारी, RBI की तैयारी साथ में कर सकते हैं। बस यही था, देखो एक छोटा टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी, लेकिन अभी भी मतलब मैंने इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ाया है, तभी भी हमारे 25 मिनट्स हो गए। तो ये काफ़ी डीप कंसेप्ट है, हम जैसे जैसे लेक्चर्स में अलग अलग रेफरेंस आएगा वहाँ पे हम इसको देखते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।